नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। रीट शिक्षक भर्ती की रिजल्ट डेट को लेकर दोस्तों, खुद माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल की तरफ से अपडेट है दोस्तों कि रिजल्ट आपका 15 से 20 अप्रैल के मध्य जारी हो सकता है, क्योंकि इसमें लेवल फर्स्ट का रिजल्ट पहले आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि 15 से 20 अप्रैल के मध्य में रिजल्ट जारी करने की कोशिश की जाएगी बोर्ड के द्वारा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसमें ज्वाइनिंग देगा आपको। और उन्होंने कहा है कि धारा 144 लगने से पहले, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले नियुक्तियों का दौर शुरू किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करवाने की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से मांग की गई है। वहीं दोस्तों, छात्रों के द्वारा ये भी मांग की जा रही है कि जब तक RPSC व्याख्याता और सेकेंड ग्रेड का रिजल्ट जारी नहीं करे, तब तक रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए थर्ड ग्रेड का। और उसी बीच शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का भी बयान आया है कि रीट का जो परिणाम है वो आते ही 45 दिन में ज्वाइनिंग देने की तैयारी करेंगे। जैसे ही परिणाम आएगा, उसके 15 दिन के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। संभाग स्तर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सभी डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार रखने हैं, ताकि बाद में किसी भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। और थर्ड ग्रेड में दोस्तों, क्या आपके पद बढ़ेंगे? तो देखिए, पद बढ़ने को लेकर शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो नई भर्ती यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसमें आपकी व्याख्याता की भर्ती भी की जाएगी, यहाँ दे सकते हैं। तो इसके अलावा आपकी 1 लाख पदों पर शिक्षकों की कुल भर्ती का काम चल रहा है, जिसमें सेकंड ग्रेड की भर्ती है, थर्ड ग्रेड की भी भर्ती रहने वाली है। टोटल 34,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाएंगी, लेकिन विज्ञप्ति जारी करने का जो कार्य है वो मई जून में होगा। इस महीने एक भी विज्ञप्ति नहीं आई, क्योंकि अभी रिजल्ट और इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया रहेगी उसमें समय लगने वाला है। छात्रों द्वारा ये भी मांग की जा रही है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में अगर बाद में रिजल्ट आता है, और जिन छात्रों ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दिया है, उन्होंने रीट में भी लेवल 2 में अप्लाई किया है, उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, तो बाद में वो जब फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आएगा तो वो थर्ड ग्रेड के पदों को छोड़कर फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइन करेंगे, इसीलिए पद खाली रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, मांग की गई है कि इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड का। लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकेंड में समय लग रहा है, उससे पहले आपका थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। और इसमें आपकी 77,000 आपत्तियाँ आई हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन लेवल फर्स्ट का रिजल्ट तैयार हो चुका है, 15 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, और 20 अप्रैल तक लेवल 2 का भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो राजस्थान में शिक्षा भर्ती परीक्षा रीट मेंस के नतीजे अप्रैल में जारी होने की संभावना बताई गई थी, पहले मई में कहा जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट तैयार किया गया है, नियुक्तियों का दौर शुरू होना है। इसीलिए दोस्तों, आपकी फाइनल आंसर की के लिए जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, उसको निस्तारण करके आपकी बोर्ड के द्वारा फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी करने का कार्य किया जाएगा। और इसके बाद आपको ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूं, तो ज्वाइनिंग में अभी आपका समय लगेगा 1.5 महीने का, तो जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी, क्योंकि मई और जून का जो महीना है वो दोस्तों आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि अभी 48,000 पद हैं दोस्तों, तो इसके डबल यानी कि 96,000 विद्यार्थियों को पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। 15 दिन से 20 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय लगेगा। इसके बाद आपकी फाइनल रिजल्ट जारी होगा दोस्तों। फाइनल रिजल्ट आने के बाद जिला आवंटन का कार्य होगा, और फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन जल्द ही आपकी यहाँ पर रिजल्ट जारी होने की खुशखबरी आपको मिल सकती है। जुलाई से पहले ही आपको 48,000 पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कट ऑफ किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है। तो ये दैनिक भास्कर की कट ऑफ है, जो एक्सपर्ट के द्वारा कट ऑफ निकाली गई है। हालांकि ये मेल कैंडिडेट की है, फीमेल अगर आप हैं तो इसमें 5 से 10 अंक कम कर सकते हैं। रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी होने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है, उससे पहले भी रिजल्ट जारी हो सकता है। और आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो रीट से पहले व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों, रीट का रिजल्ट पहले आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।